नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया और आप देख रहे हैं टीवी द्वापरा। आज हम बात करेंगे एक ऐसे देश की जो पिछले 13 सालों से जंग और खून खराबे की भट्टी में जल रहा है, सीरिया, जहां फिर से हालात बेकाबू हो गए हैं। विद्रोही गुट हयात तहरीर अल शाम HTS ने अलेप्पो पर हमले शुरू कर दिए हैं और रूस, ईरान और सीरियाई सेनाएं मिलकर इसे रोकने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन क्या असद सरकार इस संकट से उभर पाएगी? आइए जानते हैं इस खतरनाक स्थिति के बारे में विस्तार से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए टीवी द्वापरा को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को जरूर टैप कीजिएगा। अब बात करते हैं 27 नवंबर की, जब HTS और उसके सहयोगी संगठनों ने अलेप्पो और इदलिब पर जोरदार हमला किया। यह विद्रोही गुट अल कायदा से जुड़े हैं और इनका मुख्य उद्देश्य असद सरकार को उखाड़ फेंकना है। अलेप्पो, जो कि सीरिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, अब एक बार फिर संघर्ष का केंद्र बन गया है। सरकार ने तुरंत एयरपोर्ट, अस्पताल और शहर से जुड़ी सड़कें बंद कर दी, लेकिन विद्रोही अब शहर के कई हिस्सों में घुस चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक अब तक हुई झड़पों में 250 से भी ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें सैनिक और नागरिक दोनों शामिल हैं। वहीं इस स्थिति को देखते हुए रूस ने तेजी से कार्रवाई शुरू की है। रूसी सेना ने दावा किया है कि उसने 24 घंटे के अंदर 23 विद्रोही ठिकानों पर हमला कर 200 से भी ज्यादा विद्रोहियों को मार गिराया है। वहीं सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद के तीन सबसे बड़े सहयोगी हैं रूस, ईरान और हिजबुल्ला, लेकिन इनकी चुनौतियां भी कम नहीं है। रूस जहां यूक्रेन के साथ युद्ध में उलझा है, वहीं ईरान और हिजबुल्ला इजराइल के साथ अपने विवादों में फंसे हुए हैं। इसके बावजूद रूस ने सीरिया में हवाई हमले तेज कर दिए हैं। मास्को टाइम्स के मुताबिक रूसी सेना ने विद्रोही ठिकानों को निशाना बनाकर बड़े पैमाने पर बमबारी की है। वहीं ईरान भी सीरिया को हथियार और इराकी मिलिशिया के जरिए मदद भेजने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि सीरिया ईरान के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण मार्ग है, जिससे वह हिजबुल्ला और हमास जैसे संगठनों तक हथियार पहुंचाता है। लेकिन क्या ये सहयोग सीरिया के हालात को बदल सकेगा या फिर ये संघर्ष और गहरा जाएगा? अब जरा पीछे चलते हैं और समझते हैं कि इस संघर्ष की शुरुआत कैसे हुई। 2011 में अरब क्रांति के दौरान सीरिया में बशर अल असद सरकार के खिलाफ बड़े विरोध प्रदर्शन शुरू हुए। इन प्रदर्शनों ने जल्द ही एक विद्रोह का रूप ले लिया। फ्री सीरियन आर्मी नाम से एक विद्रोही गुट तैयार हुआ, जिसने असद सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। लेकिन जल्द ही इस संघर्ष में बाहरी शक्तियां शामिल हो गई, जैसे कि अमेरिका, रूस, ईरान और सऊदी अरब, सभी अपने अपने हितों के लिए इस युद्ध में कूद पड़े। वहीं ISIS ने भी इस दौरान सीरिया में अपनी जड़ें मजबूत कर ली और 2016 में सीरियाई सेना ने अलेप्पो को विद्रोहियों से आजाद कराया था। लेकिन अब 8 साल बाद वही स्थिति दोबारा पैदा हो रही है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट बताती है कि इस गृह युद्ध में अब तक 3 लाख से भी ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और लाखों लोग बेघर हो गए हैं। इस युद्ध का सबसे बुरा असर सीरिया के आम नागरिकों पर पड़ा है। लाखों लोग अपने घर छोड़कर शरणार्थी बनने पर मजबूर हुए हैं। बच्चों की शिक्षा बर्बाद हो गई है और महिलाएं व बुजुर्ग असुरक्षित हो गए हैं। वहीं संयुक्त राष्ट्र ने इस संकट को मानवता के लिए एक काला अध्याय बताया है। लेकिन क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इस स्थिति को सुधारने के लिए कोई ठोस कदम उठाए हैं? वहीं अमेरिका, जो पहले विद्रोही गुटों का समर्थन करता था, अब सीरिया से पीछे हट गया है। वहीं रूस और ईरान ने इसे अपने भू राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा बना लिया है। नतीजा ये निकला कि सीरिया आज भी संघर्ष का मैदान बना हुआ है। तो सवाल ये है कि क्या सीरिया इस संकट से उभर पाएगा? क्या असद सरकार फिर से अलेप्पो और इदलिब पर नियंत्रण पा सकेगी? जानकारों का मानना है कि जब तक बाहरी शक्तियां अपने हितों को प्राथमिकता देती रहेंगी, सीरिया में शांति संभव नहीं है। वहीं रूस और ईरान की मदद से असद सरकार कुछ समय के लिए अपनी स्थिति मजबूत कर सकती है।
लेकिन ये समाधान नहीं होगा। हम उम्मीद करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस संकट को गंभीरता से लेगा और एक ऐसा हल निकालेगा जिससे सीरिया के लोग शांति और स्थिरता के साथ जी सकेंगे। वहीं आज के लिए फिलहाल इतना ही। मैं श्रेया लेती हूँ विदा। आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल तब तक के लिए देखते रहिए टीवी द्वापरा। धन्यवाद। टीवी द्वापरा संभवामी युगे युगे। अगर ये प्रोग्राम आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट करें। टीवी द्वापरा के प्रोग्राम्स को हमेशा देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं।